हेलो सो गाइस, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इंडो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि कल के लिए और आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। तो ग्लोबल मार्केट में हमें कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही और SGX निफ्टी है वो आज 100 पॉइंट से की ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आप डाउ जोन्स को देखिए या किसी भी यूरोपियन मार्केट को देखिए, आज पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही है। तो हमारी इंडियन मार्केट में भी आने वाले टाइम में एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई पड़ सकती है। यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करें तो आज सेंसेक्स 300 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी फिफ्टी अगर की अगर बात करें तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव ट्रेंड को यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। गाइस, हम यहां पर आज के दिन टॉप गेनर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक जो कि टॉप गेनर में लीड कर रहे थे, इसके बाद JSW स्टील, बजाज ऑटो और आयसर मोटर, ये कुछ स्टॉक थे जो कि आज टॉप गेनर में थे। अब गिरावट कहां पर दिखाई पड़ रही, तो गिरावट में आप देखिएगा तो जो भी IT कंपनी से वहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। TCS में देखिए, इन्फोसिस को देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज को देखिए और विप्रो, ये कुछ स्टॉक है जो कि आज टॉप लूजर में लीड कर रहे थे। तो गाइस, हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। तो आज सुबह में मार्केट को देखेगा तो एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक थोड़ी सी ऊपर गई, इसके बाद उन्होंने एक डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और यहाँ पर एक सपोर्ट दिया। ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है वो 17,650 था और वहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो 17,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन हम यहाँ पर डे कैंडल पे जाते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें हमें नज़र में आ रही है जो कि हम यहाँ पर डे कैंडल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आज के दिन भी कि मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। आप निफ्टी फिफ्टी को देखिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट बिल्कुल उनके पास आती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। तो ये जो हमें लेवल दिखाई पड़ रहा है वो बेसिकली लेवल है 17,750 का। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन होती है। इस लेवल को मार्केट एक बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करती है, जब तक ये बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ऊपर का लेवल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर से मार्केट अगर ब्रेक करती है तो आपको सीधे सीधे 18,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो आपको जो निफ्टी फिफ्टी में जिन लेवल को याद रखने का है, ये लेवल वही है 17,750 का। तो मार्केट जब तक 17,750 को ब्रेक करके ऊपर इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक आप किसी भी कॉल की पोजीशन लेकर आप इनको होल्ड नहीं कर सकते। अगर नीचे की साइड की बात करें तो ये वही लेवल है 17,500 का। जब तक ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता तब तक आप किसी भी पुट पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लेवल है जो निफ्टी फिफ्टी का, वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की अगर बात करें 17,750, जैसे ही ब्रेक करता है आप ऊपर की साइड का कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। नीचे की साइड की अगर बात करें तो नीचे की साइड 17,500 का लेवल, जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट आप एक पुट की पोजीशन में अपनी पोजीशन बना सकते हो। हम यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी समझ लेते हैं। तो हम आ चुके सीधे निफ्टी बैंक के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। आज अगर निफ्टी फिफ्टी की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ से मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट एक थोड़ी सी मूव करती रही और थोड़ी सी ऊपर के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक कंसोलिडेट करती रही और लास्ट के जो एक घंटा था इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही मूव हुआ था और इनकी जो क्लोजिंग हुई है डेफिनेटली 500 पॉइंट के ऊपर हुई है। तो अगर हम इनकी इंट्राडे की अगर चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें 250 से 300 पॉइंट का हमें गैप दिखाई पड़ रहा है। ये गैप फिल करने के लिए
निफ्टी 50 नीचे भी आ सकता है। आज निफ्टी 50 बुलिश का था, इनके पीछे का मेन रीज़न ये था कि आज जो कोटक महिंद्रा बैंक थे वो 5% से ज़्यादा पॉजिटिव था, जिनके वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में मूव आपको दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ये जो गैप यहाँ पर है 300 पॉइंट की, इनको फिल करने के लिए नीचे भी थोड़ा आ सकता है। और हम इनको अगर डे कैंडल पे देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो यहाँ पर इनका एक रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है वो 41,800 का है। अगर 41,800 को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको सीधे सीधे 42,000 का ये वाला जो सपोर्ट है ये भी आपको सीधे सीधे आते हुए दिखाई पड़ेगा। और नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो नीचे की साइड यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये जो लेवल है 39,000 का। तो हमने दोनों लेवल को समझ लिया है। ऊपर की साइड की अगर बात करें तो 41,800 अगर ब्रेक करता है तो हम इनमें कॉल की पोजीशन लेकर इनको होल्ड कर सकते हैं। और नीचे की साइड की अगर बात करें तो नीचे की साइड जैसे ही 39,000 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम पुट की पोजीशन को लेकर होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली आज की कैंडल को आप देखोगे तो एक बुलिश डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है जो कि एक आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव ट्रेंड का सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा था और इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फाइनल।